कॉमन्स थंबनेल देख के तो तुम्हारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट आ गया होगा कि भाई आज तो कॉमन आज बहुत ठरक से भरी वीडियो लेके आया, मगर सालो आज मैं तुम्हारे ठरक को लूंगा और ऐसे सलमान खान की तरह नाच के निचोड़ के फेंक दूंगा। जिस मकड़ी के जाले को तुमने मकड़ी का जाला समझ के क्लिक कर दिया, वो मकड़ी का जाला है नहीं, वो ट्रैप है। जी हां, भारत के सारे सारे ठरक बाजू ने अपने जेब से 99 रुपए लगा के एल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन लिया, जिससे कि वो गंदी बात को देख सके और अपने दिल के अरमानों को पानी में बहा सके। मगर जैसे इन लोगों ने गंदी बात को ऑन किया, एकता कपूर ने कहा, दोस्त तेरे साथ प्रैंक हो चुका है, वो देख वो रहा कैमरा। कैमरे को देख के हाथ हिला ले, बिकॉज कुछ और तो हिला नहीं सकता। गंदी बात धोखा है देश के मर्दों के लिए, और वो प्रोड्यूस किया गया एकता कपूर के द्वारा। टू बी ऑनेस्ट, एकता कपूर को एक कमरे के अंदर बंद करो, चेहरे पे इसे बांध के बिठा दो और फिर इसके खुद के बनाए हुए शोज इसे बिंज वॉच कराओ, कि इसे मालूम तो पड़े ना कि भाई कितना बड़ा कैंसर बनाती है औरत। भगवान के लिए शांत हो जाएगा, मतलब इसने सब कुछ बर्बाद करके रखा है। औरतों को टीवी से चिपका के रखने के लिए इसने सास बहू के शोज बना रखे हैं, और इंटरनेट के ऊपर ठरकी मर्दों को चिपका के रखने के लिए इसने गंदी बात नाम का सॉफ्ट कोर पॉन बना रखा है। और उसी का सीजन 5 मैंने देखा है दोस्तों, तुम लोग के लिए, कि तुम लोग को देखना ना पड़े। हाँ, हम्बल कॉमन राज। मगर अगर तुम 18 साल के बच्चे हो तो भग जाए यहाँ से। ये वीडियो तेरे लिए नहीं भाई, जाके छोटा भीम का रोस्ट देख या डोरेमोन का रोस्ट देख, चैनल पे पड़ा है, मगर ये वीडियो मत देख भाई, वरना लोग कहेंगे कि भाई कॉमन राज बच्चे बिगाड़ रहा है। मैं बच्चे नहीं बिगाड़ता यार। चले जा भाई। नहीं पापा। वेल टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो के लिए मैं फर्स्ट और सेकंड एपिसोड का रिव्यू करने वाला था, बट फर्स्ट एपिसोड इतना क्रिंजी और इतना वल्गर और इतना बेकार है कि उसका रिव्यू करने का भी मेरे को मन नहीं किया। डालो, हिलाओ और निकालो। या बट हाँ, सेकंड एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा और वो मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ। सेकंड एपिसोड भाई साहब इतना रंडाप से भरा, जिसे सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग के अंदर फोड़ा हो जाएगा। इस एपिसोड की कहानी तो वैसे ही शो के अंदर कहीं पर भी नहीं है, बट इस लड़की के बारे में, और इस लड़की का नाम तुम लोग मान के चलो फुलझड़ी। फुलझड़ी ने ऑलमोस्ट कई सारे लड़कों के साथ हो रखा है, लाइफ में इतने लड़के आए गए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बट आज तक उसे कोई सेटिस्फिकेशन नहीं मिला, जिसे देख के उसे लगे कि भाई चिंगारी, ये तो स्पार्क टाइप की चीज हो गई मेरे साथ। तो समझेगी नहीं यार, मुझे ना बस सेक्स करना नहीं है, फील चाहिए, फील। इसलिए आज तक जितने भी बंदों के साथ उसने उनको ये कहती है, बॉडी में जान है नहीं, आया बड़ा हीरो बनने। हाँ साले, रिवाइटल खाया कर, जान नहीं है तेरे अंदर, बता रहा हूँ मैं। साले हमारे सलमान भाई को देखा तूने, 55 साल के पूरा फार्म हाउस ला देते हैं वो पहले कब। और तू जिम नहीं ला पा रहा, भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत। यंग जनरेशन यार, यंग जनरेशन में कोई पावर नहीं है यार, जिम विम नहीं ला पा रहे ये लोग। प्यार से देने रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते। अबे साले तभी तो हमारी फुलझड़ी एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, और वो ऐसा स्पोर्ट खेलती है जिसका तुमने वैंटो कभी जिंदगी में जिक्र भी नहीं सुना होगा। ये स्पोर्ट ऐसा है, लोगों ने ना ऐसे सर्कल बना रखा है, वहां पर बाहर सारी लड़कियां बैठ जाती है और ये लोग अंदर कबड्डी खेल रहे हैं कि खो खो खेल रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। इन लोगों ने ड्रेस पहन रखे हैंडबॉल टाइप के। कैप्टन होकर इतना बेकार खेल रही हो। और अब तुम अंदाजा लगाओ, जब सारे प्लेयर बाहर बैठे हैं और दो प्लेयर सिर्फ अंदर खेल रहे हैं, तो इनके अंदर कैप्टन क्या। मैं कह रहा हूँ कि भाई योगदान क्या है इस कैप्टन का, क्या कर लेगी कैप्टन, ये तो तुमसे अच्छा तो बच्चे खेल लेते हैं। बट फक इट यार, गंदी बात है। तो हमारी फुलझड़ी को टक्कर देने के लिए एक अलग स्टेट से एक लड़की आती है। ये लड़की, इसका नाम देते हम लोग गोलू बेटा मस्ती नहीं। तो गोलू बेटा मस्ती नहीं भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, हमारे फुलझड़ी को कंपटीशन देगी। ये है दुंगापुर टीम, आज से हमारे गेस्ट, एक महीने तक हम इनके साथ प्रैक्टिस मैच खेलेंगे एंड देन द टूर्नामेंट। अभी फक स्पोर्ट्स यार, हमारे फुलझड़ी का तो अलग मिशन है, उसे तो स्पार्क चाहिए, किक चाहिए, जैसे फिल्मों में होता है ना। तो वो किक पाने के लिए वो अपने कोच के ऊपर डोरे डालती है। मुझे तो मेरा हीरो मिल गया है। और फिर अचानक से एक रैंडम चूतिया पार्टी हो जाती है, पता नहीं कौन आयोजित करता है, ये सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। हॉट लग रही हो। मैं पैदा ही हॉट हुई थी। और फुलझड़ी कोच को ढूंढ रही होती है कि उसका सारा दर्द बांट ले वो। आज की रात अच्छा मौका है। मगर फक ये क्या हो गया, कोच की बजाय अब फुलझड़ी किसी और बंदे के पास चल जाती है। शी थिंक की ही इज कोच ब्रो। कोच प्लीज आज कुछ मत कह। ऐसा गलती सब में होती है। एंड देन दे डू छिया छिया छिया। एंड देन हमारी फुलझड़ी रियलाइज होता है कि भाई ये तो कोई और है, ये क्या हो गया। ये तो बहुत गलत चीज हो गई। तुम? हाँ फुलझड़ी, गो फॉर द कोच, ये कोच नहीं है, गो फॉर द कोच। फील चाहिए, फील। ओ बेटी चो।
यहाँ पर तो कोच अब लगाना छक्का। कोच तो किसी और के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, और दोस्तों ये कोई और नहीं, ये हमारे फुलझड़ी की बहुत बेस्ट फ्रेंड है। ये तो बिल्कुल ही बिट्रेल हो गया जी हमारे फुलझड़ी के साथ। हाँ माना कि she have done several things with other boys, but ये गलत है, ये betrayal है भाई। अब हमारी फुलझड़ी कोच के betrayal के दर्द के मारे इतना sad जाती है, इतना बुरा feel करती है, इतना दर्द होता है उसके अंदर कि एक रात में ठीक हो जाती है और फिर उस बंदे को ढूंढने लग जाती है जिससे कि उसको actually spark मिला है। तू समझेगी नहीं है। साले कुत्तों की जिंदगी। और अब वो उस बंदे से प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहती है। स्टॉक कर रहे थे ना मुझे? दोस्तों यहाँ पर हमें एक और प्लॉट ट्विस्ट मिलता है। यहाँ पर हमें मिलता है कि गोलू बेटा मस्ती नहीं और ये प्रॉपर्टी के कागज वाला लड़का, इनका थोड़ा अलग सीन चल रहा होता है। तुम संतोष को कैसे जानती हो? We're in a relationship. ओह माय गॉड, फुलझड़ी के ऊपर इतना सारा दर्द आ रहा है दोस्तों, बेचारी इतना सारा दर्द कैसे सहन करेगी? सारे के सारे लड़के एक जैसे होते हैं। मगर फुलझड़ी से बिच टाइप गर्ल क्या फर्क पड़ता है कि गोलू बेटा मस्ती नहीं एंड दिस गाय हैज फकिंग समथिंग, शी स्टिल गो फॉर द बूटी। मुझे पता है कि नंदनी तुम्हारे लायक नहीं है संतोष, ट्रस्ट मी। और अब आता है इस दुनिया का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, जिसे सुनने के बाद तुम्हारी गर्दन टेढ़ी की टेढ़ी रह जाएगी और तुम्हारा मन करेगा कि भाई तुम एकता कपूर के ना नाक के ऊपर ऐसा ऐसा खिंचा के घुसा मारो, क्योंकि भाई ये प्लॉट ट्विस्ट बहुत खराब है। दिल थाम लेना दोस्तों, बिकॉज ये बहुत भयंकर होने वाला है। लेट मी वेयर माय चश्मा, बिकॉज इट्स मेरी आंखें हट हो सकती है ना दोस्तों। तो अभी हमें मालूम पड़ता है कि ये जो लड़का जिससे ये प्रॉपर्टी के बात करने जाने वाली थी, ये लड़का नहीं है दोस्तों, ये लड़की है। नहीं मानते? क्यों मानोगे? देखो यही सच है, मैं भी तुम्हारे तरह एक लड़की हूँ। की तरह ये लड़का लड़की है, और भाई अगर तो लड़की भी है कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे 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 खोल के एल्ट बालाजी वाले ऐसे खोल के कैसे दिखा रहे कि भाई हाँ Why are you gay? मगर फिर भी गोलू बेटा मस्ती नहीं फुलझड़ी के शहर में इसलिए आती है बिकॉज she is a girl and he is a girl and they both have some shit and now they three have this shit. Fuck this यार, खत्म करते हैं, काफी हो गया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अभी। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। Well to be honest, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि भाई उस लड़की को कितना घटिया, कितना बेकार और कितना स्लटी वे में दिखाया गया है। Like, मुझे पता है एकता कपूर की किस ऑडियंस के पास ये शो जा रहा है, बट सीरियसली हु द फक लिव्स लाइक दैट? और तुम मानोगे नहीं, एक सीन आता है इस एपिसोड के अंदर और इसी कारण मैंने फर्स्ट एपिसोड को छोड़कर सेकंड एपिसोड लिया, बिकॉज ये सीन सबसे घटिया है। इस सीन के अंदर क्या होता है कि जो ये लड़का जो कि एक्चुअली लड़की है, वो एक्चुअली इस लड़की को न्यूड देख लेता है, बिल्कुल ही विदाउट ड्रेस देख लेता है, एंड देन उसके बाद ये लड़की अपनी मम्मी से बात करती है और इस कॉन्वो को देखो। हाँ माँ, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, जिसे आपने अपने घर में किरायेदार बना के रखा है ना, उसने आपके प्रॉपर्टी के सारे कागजात देख लिए। एक लड़के ने तुझे ऐसे देख लिया और तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? हमारे जमाने में पराया मर्द किसी औरत को फूल सा चेहरा भी नहीं देख पाता था, और तुमने तो पूरा बगीचा ही दिखा। सुन, लड़का अच्छा है तो बोल, बात करूँ तो? या सो आंटी के हिसाब से शी शुड गेट मैरिड टू दैट गाय बिकॉज उसने देख लिया। वाह यार, कितना कितना घटिया तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से माँ और बेटी बात कर? उसके अलावा क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे पता है कि ज्यादातर जेंडर मेल के लोग ही वहाँ पर जाकर देखेंगे इस शो को, बट अगर समझो कोई फीमेल चले गई एंड देन शी वॉच दिस शिट एंड शी इज लाइक, अरे ब्रो कितना कूल है यार, अपन कितने सारे लड़कों के साथ जब ऐसा छिया छिया कर रहे हैं, इट्स बेटर, इट्स डोप, बहुत सही चीज है ये। और फर्स्ट एपिसोड के अंदर तो बच्चे टीचर पियोन टीचर प्रिंसिपल का किसी और के साथ चल रहा है, ऐसे घटिया घटिया मैरिटल अफेयर्स दिखा रहे हैं जो कि एक्चुअली सेंस नहीं करते, और अगर लड़का भी देखेगा तो बहुत ज्यादा गलत गलत चीज प्रमोट करते हैं लोग। एकता कपूर शुड रियली फकिंग हैव सम ब्रेन्स एंड स्टॉप दिस शो, और अगर कर रहे तो यार मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है, तुम बताओ कमेंट के अंदर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। मुझे तो सिर्फ इतना ही लगता है कि कोई 15 साल से लेके 20 साल का लड़का देखेगा तो वो सोचेगा कि यार मेरे टीचर पर लाइन मारना विल बी अ ग्रेट ऑप्शन, व्हिच इज फकिंग फकिंग डिजास्टर। हाँ मुझे पता है कि सीजन के अंदर 3 एपिसोड और है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल मजेदार सीन चल रहे हैं, तुम्हें भी मजा आया होगा, तो भाई बनाएंगे पार्ट 2 इसका। तुम लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना कि तुम्हें मालूम पड़ जाए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मुझे @_raj, और मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि शायद रोडीज के ऊपर हीरो गायब ऑन के ऊपर आएगा, तो लुक आउट फॉर इट, इट विल बी फन। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो। क्यों किया तूने चीट, उसने कहा पहली बार, फिर कहा कि तू स्वीट, अब निकाल अपनी कार, बजाया अरिजीत ऑन रिपीट फॉर एन आवर, फिर बोली लेट मी स्लीप, अब बजा ले तू लमार। तूने ही कहा कि मे बी जाने दे, अरे बी आई एम नॉट फ्री, तूने ही तो कहा कि मे बी जाने दे, अरे बी।